हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे भीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा मीशो अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी मीशो एप्लीकेशन के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो परमानेंट के लिए तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको मीशो अकाउंट को डिलीट कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब गाइस मैं आपको एक बात बता दूं तो मीशो एप्लीकेशन में अकाउंट डिलीट करने वाला कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन मैं आज की इस वीडियो पर आपको एक तरीका बता दूंगा जहां से आप अपने मीशो अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट करवा सकते हो। तो वो तरीका कौन सा, इसी वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं एक बात आपको बता दूँ, मीशो एप्लीकेशन के अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट कैसे करते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनी रखी हैं, लेकिन उधर पर कुछ का कुछ बताते हैं और आपका अकाउंट भी डिलीट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने अकाउंट को डिलीट भी करवा सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मीशो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट वाला, तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना नीचे की तरफ। और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प वाला ऊपर की तरफ, तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इधर पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ एक ब्राउज और हेल्प टिप्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लास्ट में मिल जाता है ये ऑप्शन, आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इधर पर क्लिक करोगे तो इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको नीचे की तरफ जाना है। और नीचे की तरफ जाने के बाद आपको इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा कैन फाइंड इशू, तो इधर पर आपको क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो इधर पर आपके सामने आ जाएगा माय इशू इज नोट, तो इस तरह का लिखा आ जाएगा, आपको इधर पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इधर पर क्लिक करोगे तो इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कॉल मी बैक, तो इधर पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इधर पर क्लिक करोगे तो इधर पर आपका मोबाइल नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब गाइस होगा का कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा, और जब वो कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा तो आपको अपनी प्रॉब्लम बता देना है कि मैं मीशो अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूं। लेकिन वो आपसे ये भी पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों डिलीट करना चाहते हो, तो आपको बता देना है कि मुझे ये अकाउंट नहीं रखना है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। तो आप कुछ इस तरह से बता देना तो वो आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे, परमानेंट के लिए डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप मीशो एप्लीकेशन में इस वाले तरीके से आप अपने मीशो अकाउंट को डिलीट करवा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नीट आंसर वॉचिंग, बाय बाय। Till I get up, time is barely on us.